राकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर शहर में घर घर से कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया में काफी सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने तथा इस अभियान को सफल बनाने में यहां के स्थानीय निवासियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इधर उधर कूड़ा फेंकने के बजाय नगर परिषद द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से ही इसका निष्पादन करें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रति बाढ़ कूड़ा उठाने वाले वाहनों की सूची तैयार करें और लोगों को इन गाड़ियों के आने जाने का समय तथा कूड़ा एकत्रीकरण के बारे में निरंतर सूचित व जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे और इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरा की सहायता से शख्स जुटाकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कूड़ा करकट एकत्र करने में तैनात वाहनों की कार्य प्रणाली को भी समुचित निगरानी की जाएगी और उपमंडलाधिकारी से आग्रह किया कि वे इसके लिए औचक निरीक्षण भी करें। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में 100 किलोग्राम से अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा उत्पादित करने वाले निजी संस्थानों, व्यापारिक व अन्य प्रतिष्ठानों की सूची अपडेट करें और उनके द्वारा कचरा निष्पादन हेतु प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें। उन्हें इसके समुचित निपटान की बाध्यता के बारे में भी अवगत करवाएं। शहर में घरेलू भवनों के व्यावसायिक उपयोगों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि यहाँ शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों से संबंधित संस्थान मानकों के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने पुलिस व शिक्षा विभाग से आग्रह किए कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर अवांछनीय गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी तरह की व्यवस्था अन्य स्थानों पर भी की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कूड़ा कचरा खुले में फेंकने वाले तथा अन्य शरारती तत्वों की भी निगरानी की जा सके। बैठक में वन विहार वाटिका में हाई मास्क लगाने, पेयजल स्रोतों की साफ सफाई व मच्छरों इत्यादि की रोकथाम, दूध पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, महिला थाना सहित अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, सहायक आयुक्त राजकिशन, उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चिरंजी लाल सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बिलासपुर में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के प्रति पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। रंगे हाथों पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने नशा तस्करों को न्यायालय में पेश किया जिसमें उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। जिला बिलासपुर में 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 मामले दर्ज किए हैं। बिलासपुर की साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की SP जिला बिलासपुर की सुरक्षा शाखा टीम ने बामटा के पास एक व्यक्ति से 562 ग्राम चरस पकड़ी है। जिला बिलासपुर के गांव कुठेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी ढंडू राम ने अपने अपमान से आहत होकर 4 दिनों से खाना पीना छोड़कर घर भी नहीं गए हैं। 93 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी ढंडू राम ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करने के लिए उन्हें जिला प्रशासन से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, मगर दिल्ली पहुँचने पर राजभवन के अधिकारियों ने ये कहकर निराश किया कि शिमला से उन्हें सम्मानित करने का स्वीकृति पत्र जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण आप सम्मान समारोह में भी शामिल नहीं हो सकते। स्वतंत्रता सेनानी की बेटी मीरा देवी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना से उनके पिता बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने वहाँ से घर आने के लिए मना कर दिया। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जिंदगी भर उन्होंने अपना जीवन बड़े गर्व आत्म सम्मान पूर्वक यापन किया है, मगर जीवन के 93 बसंत देखने के उपरांत ऐसी घटना घटित होने से वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए स्वतंत्रता सेनानी ढंडू राम ने बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान बाल्यकाल में ही उन्हें तत्कालीन कहलूर राजा आनंद चंद ने उन्हें 12 वर्ष का देश निकाला दिया था। उस दौरान 6 मास कारावास की सजा भी झेली थी। 12 वर्ष तक वे घर नहीं आ सके थे। देश आजाद होने के उपरांत वर्ष 1948 में वे भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हो गए। वर्ष 1962 में चीन के साथ वर्ष 1965-71 में भारत पाक में हुए युद्धों में भी हिस्सा लिया। उत्कृष्ट सेवाओं के प्रति भारतीय सेना व भारत सरकार से भी उन्हें कई मेडल सम्मान पूर्वक प्रदान किए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है
कि उन्हें सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर जो सरासर उनके साथ बद्दा मजाक कर उन्हें इस आयु के पड़ाव पर अपमानित किया है, इस प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि ये प्रकरण एक स्वतंत्रता सेनानी के मान सम्मान एवं स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन को लेकर ज्वाला जी के बाजार सज चुके हैं। बाजार में इन दिनों रक्षाबंधन के त्योहार की धूम है। बाजार में बहनें इन दिनों भाइयों के लिए रेशम की डोर खरीदने के लिए खूब खरीदारी कर रही हैं। भाई व बहन के इस त्योहार को दुकानों में बच्चों के लिए डोरेमोन, स्पाइडरमैन और छोटी भीम जैसी आकर्षक कार्टून वाली राखियां उपलब्ध हैं। इस त्योहार के आने से कारोबार में भी तेजी आंकी आई जा रही है। हालांकि बीते तीन दिनों से ज्वाला जी में हो रही बारिश के चलते दुकानदारों की दिक्कतें बढ़ गई थी। राखी के त्योहार को एक दिन शेष है, ऐसे में यदि बारिश का क्रम ऐसे ही जारी रहा तो दुकानदारों का काफी नुकसान हो सकता है। बारिश के चलते शहर में इतनी हलचल नहीं देखने को मिल रही है, कुछ छुटपुट महिलाएं ही दुकानों में नजर आ रही हैं। वहीं रक्षाबंधन के साथ साथ मिठाई की दुकानें भी इस त्योहार के लिए सज गई हैं। स्थानीय मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि वे गुणवत्ता का पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ऐसे में सारी मिठाइयों को ढक कर रखा जा रहा है, वो उनको बनाते समय पूरी सफाई व्यवस्था रखी जा रही है। त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए दुकानें शुरू हो चुकी हैं और आदमी की दुकानें सजी हैं, हमारे हलवाई की दुकानें सजी हैं। इसमें हम भी अपने गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हैं और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। ज्वाला जी मंदिर के पुजारी अविंदर शर्मा का कहना है कि इस बार राखी का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक है। इस बीच बहनें अपनी बाई की कलाई में राखियां बांध सकती हैं।